विनीत और शिवम ने मिलकर भड़काया आजमा को मुनव्वर की टीम के खिलाफ। कल झोल टास्क के दौरान पायल को दो नाम लेने थे जिनको वो पिंजरे में डालना चाहती थी। पहला नाम उनको ऑरेंज टीम में से लेना था और दूसरा नाम उनको ब्लू टीम में से लेना था। अब पायल ऑरेंज टीम में से मंदाना का नाम ले रही थी। जब ब्लू टीम की बारी आती है तो उनको समझ में नहीं आता है, जहां पर मुनव्वर मजाक मजाक में आजमा आजमा करने लगते हैं। अब यहां पर पायल इन्फ्लुएंस हो जाती है, वो आजमा का ही नाम ले लेती है पिंजरे में डालने के लिए। अब आजमा ज्यादा बहस नहीं करती, वो पिंजरे में चली जाती है, लेकिन उनको काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती भी है कि मैंने हमेशा इसका साथ दिया, मैं इसके साथ हमेशा खड़ी रही हूं, लेकिन देखो फिर से इसने मुझे पिंजरे में डाल दिया। अब यही बात यहां पर समझा रहे होते विनीत। विनीत कहते हैं, एक तरीके से विनीत और शिवम दोनों भड़का रहे होते हैं आजमा को मुनव्वर की टीम के खिलाफ, जहां पर वो ये कह रहे होते हैं कि तू ही एक बंदा है जिसकी ये सुनती है, तेरे को बहुत मानती है। वो शिवम से ये बात कह रहे होते हैं आजमा के सामने, जहां पर विनीत कहते हैं कि कल रात में मैंने उसको समझाया अपने मन की करो। शिवम भी कहते हैं कि हाँ अपने मन की करो, सुनो सबकी लेकिन करो अपनी। विनीत ये भी कहते हैं कि मैंने तुमको समझाया, तुमको ये कहना चाहिए था कि तुम नहीं जाओगी। जब मुझसे मेरी टीम ने पूछा तो मैंने साफ तौर पे मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। आजमा कहती है कि हाँ मैं किसी की नहीं सुनती हूँ, अपनी ही करती हूँ। तो साफ तौर पे कुछ इस तरीके से यहाँ पर भड़काया जा रहा है आजमा को मुनव्वर की टीम के खिलाफ। तो दोस्तों क्या है कहना, कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। थैंक यू।